असल दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अम खबरों से हमेशा वाकिफ़ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे तो साथियों आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही कतर से बहुत ही बढ़िया खबर आ रही साथियों पूरी दुनिया में एक रैंकिंग की जाती है कि महिलाओं के लिए यानी जो महिलाएं होती है दूसरे कंट्री वो लोग जाती है तो वो कितनी सुरक्षित होती है तो साथियों मैं आपको बता दूं कतर को दुनिया का सबसे टॉप टॉप दो कंट्री चुना गया जिसमें जो भी एक्सपर्ट महिलाएं जो होती जो कतर जाती वो बिल्कुल सुरक्षित होती है तो साथियों बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में एक ऐसे कंट्री को चुना जाना जो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है उसे कतर के लिए चुना कतर को ही चुना गया है साथियों वैसे तो बहुत सारे कंट्री महिलाएं लोग जाती है तो पर सबसे अच्छी कंट्री जो है वो महिलाओं के लिए कतर है अगली खबर की साथियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आ रही है एम्बेसी ऑफ इंडिया से आ रही तो साथियों एम्बेसी ऑफ इंडिया से दोस्तों बताना चाहूंगा सभी को जितने भी वहां पे वहां पे कतर में जो इंडियन वर्कर काम करते हैं उन सभी को एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से गुरु पूर्णिमा का दोस्तों वहां पे सभी को बधाइयां दी गई साथियों गुरु पूर्णिमा जो है वो साथियों एक तरह का त्यौहार होता है इंडिया में जो कि सेलिब्रेट किया जाता है यानी दोस्तों जो गुरु वगैरह होते हैं उनको लेकर खासतौर पर दोस्तों इसको देखा जाता है तो इसी को लेकर साथियों गुरु पूर्णिमा को लेकर सभी को बधाइयां वहां पे दी गई अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो हर साथियों एक वीडियो एक फोटो दोस्तों वायरल हो रहा होगा यदि आप कतर में रह रहे हो तो सुपर मून यानी दोस्तों चांद जो है वो कल के दिन दोहा स्काई में दोहा के आसमान में बहुत ही बड़ा देखने को मिला होगा तो इसका दोस्तों फोटो जो है आप गल्फ टाइम्स का ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं दोहा टाइम्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी चेक कर सकते हैं दोस्तों इसमें उसे डाला गया है अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जा रही एम्बेसी ऑफ इंडिया से आ रही है तो साथियों एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है कि दोस्तों एक इंडिया में एक एग्जाम होता है जिसका नाम है नीट जो कि मेडिकल का एग्जाम होता है तो साथियों नीट का जो एग्जाम है इस बार दोहा कतर में भी एग्जाम इसका लिया जाएगा सत्रह जुलाई दो को तो साथियों ये एग्जाम जो है साढ़े ग्यारह बजे शुरू, शुरू होगा और लगभग ये दो मिनट तक दोस्तों ये एग्जाम चलेगा जितने भी इंडियन लोग वहां पर इंडियन स्टूडेंट लोग वहां पे पढ़ते हैं या फिर एक्सपर्ट लोगों का किसी का

अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों वैसे तो वो सऊदी अरेबिया से आ रही पर बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि साथियों बहुत सारे वर्कर अभी ऐसे होंगे जिनके जान पहचान वाले सऊदी अरेबिया में या फिर रिश्तेदार वगैरह होंगे तो सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जनरल अथॉरिटी के तरफ से एक दोस्तों नया गाइडलाइन जारी किया गया है कि सऊदी अरेबिया में जो भी टैक्सी वगैरह जो आप चलाते हैं तो उन सभी ड्राइवरों को अब वहाँ पर यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा यानी दोस्तों जो भी तरह का यूनिफॉर्म जो सऊदी हुकूमत की तरफ से इशू किया जाएगा वो यूनिफॉर्म को अब पहनना पड़ेगा बिना यूनिफॉर्म को वो लोग अब गाड़ी नहीं चला सकते प्लस उनके साथ साथ दोस्तों एक आईडी कार्ड भी दी जाएगी कि आप टैक्सी ड्राइवर हैं ये दोनों चीज होने के बाद ही सब किसी को भी गाड़ी चलाने की वहां पे इजाजत दोस्तों दी जाएगी अगली खबर की और साथियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथी वो अबू समरा बॉर्डर से आ रही है तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हज का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है हज सभी का कंप्लीट हो चुका है तो अबू समरा बॉर्डर पे काफी ज्यादा अभी भीड़ वगैरह गर्दी देखने को मिल रहा है क्योंकि साथियों अबू अबूसमरा रास्ते से बहुत सारे लोग जो गए थे वो घूम कर वो हज के लिए वापस भी आ रहे हैं और ईद के टाइम भी जो लोग घूमने गए थे वो भी वापस आ रहे हैं तो हर दिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नौ आठ हजार से नौ हजार लोग जो है वो पर डे ट्रैवल कर रहे हैं बाई रोड अबू समरा बॉर्डर से तो ये कुछ खबरें थी कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर अला हाफिज एंड टेक केयर